राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत 2 दिन के गुजरात दौरे पर है। दौरे के दूसरे और अंतिम दिन गहलोत ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। यही नहीं, अशोक गहलोत ने प्रदेश के विकास मॉडल प्रबंधन को भी खोखला बताया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस ने विकास की नई इबारत लिखी है, इसको गुजरात में भी दोहराएंगे। अशोक गहलोत ने गुजरात सरकार के साथ साथ पीएम मोदी पर भी तीखा हमला बोला। गहलोत ने कहा कि गुजरात मॉडल पूरी तरह फेल हो चुका है। गुजरात सरकार और केंद्र की मोदी सरकार विकास मॉडल का प्रबंधन करने में नाकाम साबित हुई है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि गुजरात और यूपी में कानून व्यवस्था राजस्थान से भी ज्यादा खराब है। डेमोक्रेसी है, सरकार हमारी बनते बनते रह गई थी, उस वक्त में भी आप लोगों का बहुत सहयोग रहा, गुजरात वासियों का बहुत सहयोग था। लगता था कि इस बार सरकार बन जाएगी। जो मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट था उसको तोड़ मरोड़ के कहा गया, मुझे नीच कह दिया है, मैं नीच हूँ एक सहानुभूति लेने के लिए। और प्लेन उतारे पानी के अंदर, उस वक्त में जो जिस रूप में वो पेश आए, विकार पागल हो गया, विकार गांडो छे जो कह बोल रहे थे, हर व्यक्ति की जबान पर ही था विकास के बारे में। हम जाके जाते थे तो लोग जोर जोर से बोलते थे, एक इश्यू बन गया था। उसको खत्म करने के लिए भी एक अभिनेता की तरह उन्होंने कहा मैं खुद विकास हूं। तो हमें कहना पड़ा अब हम नहीं कहेंगे। राहुल गांधी जी की मौजूदगी मुझे कहना पड़ा कि हमारे संस्कार नहीं है कि हम प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई ऐसी बात बोलें। तो मुझे कहना पड़ा कि भाई विकार गांडो छे जो है छोड़ दो इसको, ये हमारा संस्कार है। उनकी तरह ये संस्कार नहीं है कि आप जिस प्रकार धज्जिया उड़ा रहे हो देश के अंदर, संविधान की धज्जिया उड़ा रहे हो, परवाह नहीं कर रहे हो कि लोग क्या सोचते होंगे। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, लोग जेलों में बैठे हैं, लेखक पत्रकार साहित्यकार एक्टिविस्ट कोई कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं कोई मालूम पड़ सकता है क्या? ये हालात देश के अंदर है। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी अप्रोच ये है जो फासिस्ट ही है, वो खाली धर्म के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं, उसी का उनको घमंड है, उसी का उनको घमंड है। और एक ही इश्यू पे चुनाव जीत रहे हैं वो, ना विचारधारा पे, ना कोई प्रोग्राम पे, ना कोई पॉलिसी पे, ना गवर्नेंस पे। ये आपका गुजरात मॉडल या मोदी मॉडल था वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि लोगों को गुमराह करने वाला था। देश के अंदर पूरी तरह गुमराह किया कि पता नहीं गुजरात मॉडल क्या होगा। कल बात चल रही थी, 27 साल पहले हम लोग कहते थे, मैं मुख्यमंत्री बना था 98 के अंदर पहली बार, हम लोग कहते थे भाई देखो गुजरात कितना आगे बढ़े। गुजरात से कोई आता है अगर कार में वो सो रहा है, नींद आ गई उसको, जैसी राजस्थान आया नहीं और नींद खुल जाती उसकी, इतनी सड़कें खराब राजस्थान, ये हम कहा करते थे। आज उल्टा हो गया है, आप सूरत से बड़ौदा जाओ, राजस्थान से आप अहमदाबाद आ जाओ, उल्टा बात होगी। आज शानदार तरीके से राजस्थान की गवर्नेंस हो रही है, शानदार सड़कें हैं, शानदार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति करी है। सारी जो प्रीमियर संस्थाएं देश की पंडित नेहरू के जमाने की, IIT IIM एम्स सहित सभी राजस्थान के अंदर है। शिक्षा में, स्वास्थ्य के अंदर हमने पूरे मुल्क के अंदर नंबर 1 हम लोग हैं। आपको आश्चर्य होगा कि चिरंजीवी योजना हमने बनाई है, राइट टू हेल्थ का बिल ला रहे हम लोग, सोशल सिक्योरिटी है, कोई रेवड़ियाँ नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं रेवड़ियाँ हैं, आज हर इंसान को सोशल सिक्योरिटी चाहिए विदेशों की तरह। आज हम लोग भी 21st सेंचुरी में पहुंच गए हैं, हमने पूरा इलाज IPD फ्री, OPD फ्री, 5 लाख ने 10 लाख का बीमा कर दिया, पूरे प्रदेशवासियों कर दिया, अमीर गरीब कोई नहीं। वो केंद्र की सरकार की स्कीम है, वो खाली 1/3 आबादी के लिए है खाली। वो जो SSCC का जो एक सर्वे किया हुआ सोशल इकोनॉमिक सर्वे, उन तक सीमित है वो। हमारी स्कीम सब पब्लिक के लिए है। आजकल तो राज ईडी कर रही है, ईडी का आतंक है देश के अंदर, आतंक है देश के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी उसके ऊपर। बताइए आप, जो CBI के पास पावर नहीं है वो ईडी के पास आ गए पावर, बिना आपके घर में घुस करके आपको अरेस्ट कर सकते हैं,
नोटिस दिए हुए, बिना कारण बताए हुए, बिना कारण बताए अरेस्ट कर सकते हैं, बिना कारण बताए आपकी संपत्ति सीज कर सकते हैं, बिना कारण बताए हुए। और जो FIR होती है पुलिस में उसी ढंग के वहां पे दूसरी FIR होती है, कोई नाम दूसरा लंबा उसका, उसकी कॉपी देने की आवश्यकता नहीं उनको। आज थाने में कोई FIR होगी तो आप कॉपी लेने का अधिकार है आपको, संविधान के अंतर्गत भी, वो कॉपी नहीं देंगे आपको। और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी उसको, बताइए ये हालात है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हालात बड़े गंभीर है और उसी ढंग से हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि देश के जो हालात हैं उसको लेके तो आपको हम सबको सोचना पड़ेगा कि किस रूप में हम लोग अप्रोच रखें आने वाले वक्त के अंदर, जिससे कि प्रदेश भी और देश भी लोकतंत्र कायम रहे, सर्वधर्म संभाव, लोकतंत्र की जो भावना है संविधान की, लोकतंत्र समाजवाद सर्वधर्म संभाव की, यही देश को एक अखंड रख सकता है। राज सर्वप्रथम जाग उठाए भारत और भारत उत्सव परिवार की ओर से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र व मदर इंडिया पत्रिका परिवार की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।